तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पे सिंपली जीएस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर एक्सेसिंग ऑफ एन एरे एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक मार्कर या फिर चौक पे पढ़ते थे, अभी तीन मार्कर अपने पास हो गए हैं, रेड ब्लैक और ब्लू, तीनों के कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। और अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे पढ़ लिया था, ठीक है। अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एक्सेसिंग ऑफ एन एरे एलिमेंट पढ़ने वाला है, मतलब अपन ने एक एरे बना चुके हैं, अपन एक एरे बना चुके हैं, उस एरे के अंदर से अपन को एलिमेंट निकालना है और उसको इस आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाना है। सिंपल सा मेथड है, बढ़िया, इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे करते हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में जो भी मन हो मैं वो बोल देना, अच्छा बुरा जो भी लगे सब बोल देना। ये होता है इसका बेसिक सिंटैक्स, पढ़ा हुआ अपन ने, समझा हुआ है पहले पूरा, ठीक है। देखो समझाता हूं क्या होता है। ए क्या लिया अपन ने, 10 लिया ना, 10 क्या हुआ, 10 क्या हुआ, इसका साइज ऑफ एरे हुआ। इसने क्या किया, एक मेमोरी के अंदर, ये सब पहले बता चुका हूँ इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट आप सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट बन चुकी है तो उसको आप एक्सेस जरूर कर लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ए 10 लिखते हुए क्योंकि इसने इंटीजर ब्लॉक, इंटीजर डेटा टाइप कितने बिट का होता है, 4 बिट का होगा, कितने बिट का, 4 बिट का। तो 4 बिट के 10 लिखते ही क्या होगा, 10 लिखते ही क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप, यानी कि 4 बिट के वो 10 ब्लॉक ले लेगा, कितने, 10 ब्लॉक ले लेगा। इनके अंदर वैल्यू गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 इसने ब्लॉक लिए, 10 ब्लॉक के अंदर 10 वैल्यू चली गई। अब इन 10 वैल्यू को अपन को लेके आना है और फिर उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना है, किस तरीके से कराएंगे देखते हैं इसको, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझते हैं, ठीक है। फिर क्या, 40 बिट मेमोरी के अंदर कितना लेगा, मेमोरी के अंदर जो लेगा वो 40 बिट लेगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या लगा, देखो अब इसमें समझते हैं पोजीशन जो देते हैं एरे को वो किस हिसाब से देते हैं, और एरे को पोजीशन के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर से एलिमेंट किस हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। पूरी डिटेल में अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पोजीशन एरे की हमेशा 0 से शुरू होती है, ये मैंने पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ, पोजीशन एरे की 0 से शुरू होती है, यानी कि जो पहला एलिमेंट जो होता है वो 0th पोजीशन पे होता है। कौन सा पोजीशन पे, पोजीशन नंबर उसका कौन सा होता है, 0th पोजीशन, एलिमेंट फर्स्ट होता है लेकिन उसकी पोजीशन नंबर कौन सा होता है, 0 पोजीशन नंबर होता है। इसका पोजीशन नंबर 0, इसका पोजीशन नंबर 1, इसका पोजीशन नंबर 2, इसका पोजीशन नंबर 3, इसका पोजीशन नंबर 4, इसका पोजीशन नंबर 5, इसका पोजीशन नंबर 6, इसका पोजीशन नंबर 7, इसका पोजीशन नंबर 8, इसका पोजीशन नंबर 9, वैल्यू 10 है, यानी कि एलिमेंट 10 है। साइज ऑफ एरे कितना है, 10 साइज ऑफ एरे है, साइज ऑफ एरे कितना है, 10 एलिमेंट, 10 ब्लॉक वो ले रहा है मेमोरी के अंदर, 10 ब्लॉक बना रहा है, लेकिन पोजीशन इंडेक्सिंग नंबर कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो उसकी इंडेक्सिंग नंबर कहां तक चलेगी, 0 से लेके 9 तक, क्यों, क्योंकि पोजीशन नंबर हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, 1 से स्टार्ट नहीं होती है, तो उसके 0 से 9 तक 10 एलिमेंट फिलफिल हो जाते हैं, तो इसलिए यहां पे इक्वल टू का साइन रहेगा 9, और यहां पे अगर अपन 10 लिखते हैं
टेन लिखते हैं, टेन लिखते ही इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा। टेन लिखते ही अगर अपन को मालूम है कि ए आर ए का साइज अगर 10 है तो वो 10 से छोटा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कितनी है, जीरो, जीरो से लेकर 9 तक जाएगा तभी तक वो वैल्यू ले लेगा और दसवां वैल्यू। फिर अगर इक्वल टू रख देंगे तो वो 11 वैल्यू लेने के काबिल बन जाएगा। अगर वो उसके अंदर 11 इक्वल टू रख देंगे तो वो 11 वैल्यू लेने के काबिल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेस देन करते हैं, अब लेस देन ही लगाते हैं। पहले अपन ने इक्वल टू 9 किया था, अब लेस देन 10 करते हैं, ठीक है, एक ही बात रहती है। उसको स्टेप में देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप अपन जानते हैं किस तरीके से होता है, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। एक सेकंड देना मुझे, थोड़ी यार वो आ रही होगी आवाज आपको, वो बंद हो जाएगी। कुछ आवाज आ रही थी ना जो बंद हो गई, वो पंखा चालू छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। क्या हो गया, क्या करेगा, आई के अंदर वैल्यू कितनी है, जीरो। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्सिंग नंबर पोजीशन नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है, यानी कि जीरो 10 से छोटा है, बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी फॉर लूप अपना आगे बढ़ता है। तो आई को क्या किया, इंक्रीमेंट किया गया। ये कौन सा ऑपरेटर है, पोस्ट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, पोस्ट ऑपरेटर है। तो पोस्ट ऑपरेटर क्या करता है, पोस्ट ऑपरेटर पहले वैल्यू को लेता है, लेने के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो जब दोबारा उस वैल्यू को कॉल किया जाता है तब उसके अंदर वैल्यू को अपडेट करता है। समझ में आया नहीं आया, फिर से सुनो। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले वैल्यू को लेता है, उसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद जो वैल्यू जहां पे उसको कॉल किया है दोबारा वहां उस जगह पे वो अपडेट करता है, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले पढ़ा चुका हूं, तो इस वीडियो का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, आई की वैल्यू जीरो थी, यहां पे प्रिंट है परसेंटी, परसेंटी को लगाया क्योंकि अपन इंटीजर लिया है। ए ऑफ आई यानी एरे एट जीरो पोजिशन, एरे एट जीरो पोजिशन, एरे जीरो पोजिशन पे कौन सा है, जीरो पोजिशन पे कौन सी वैल्यू है, वन। तो आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे जो भी लिखेंगे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, वन, वन प्रिंट हो जाएगा। पहली स्टेप के अंदर वन प्रिंट होगा, दूसरी स्टेप चलेगी आई के अंदर वैल्यू क्या हो गई, अभी अपडेट होके वन हो गई, आई के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई वन हो गई। उसने किया वन, 10 से छोटा है, बिल्कुल है, सेटिस्फाई हुई कंडीशन। उसने अंदर गया, मतलब यहाँ पे उसने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर गया, फिर इसके बाद प्रिंट एफ हुआ परसेंटी से, इंटीजर के लिए एरे ऑफ वन, एरे ऑफ वन कितना है, टू है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, टू, वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुई थी, अपडेट हो गई कितनी हो गई, टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। चेक करी उसने 10 के साथ, कंडीशन सेटिस्फाई फिर से हुई। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे गया, उसने वैल्यू को लिया, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन उसके अंदर रखेगा कब, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद। तो इसने प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट किया, परसेंटी लगाया इंटीजर के लिए, एरे ऑफ आई, एरे सवाल कितना है, दूसरे नंबर की पोजीशन को अपन को निकालना है, कौन से की, दूसरे नंबर की पोजीशन को निकालना है, दूसरे नंबर को कौन सा एलिमेंट है, तीन। क्या आएगा यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर, क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो तीसरी स्टेप चलेगी, अब जो तीसरा हो गया, तीसरा चेक किया 10 से, ये 3 कितना बना, ये 3 में है 4, यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर उससे वही स्टेप हुई, 4 आएगा, 4 इसने चेक किया, ये 4 कितना एलिमेंट है, 5, इस पे 5 हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा 5, 6 आउटपुट, ए 6, 7, 7, ए 7, 8, 8, ए 8, 9, 9, 8, 10, 9, 10, 10, ठीक है। देखो अब वैल्यू को मैच करो, ए 0, 0 पोजीशन पर कौन सी है, 1, 1 पे कौन सी है, 2, 2 पे कौन सी है, 3, ये क्या है, पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर के हिसाब से वैल्यू आ रही है, पोजीशन नंबर के हिसाब से। 3 पे कौन सी है, 4, 4 पे कौन सी है, 5, 5 पे कौन सी है, 6, 6 पे कौन सा है, 7, 7 पे कौन सा है, 8, 8 के ऊपर कौन सा है, 9, 9 के ऊपर कौन सा है, 10। अब यहाँ पे एक चीज और देखो क्या होगा, एक चलो कोई बात नहीं, थोड़ी लाइट का कोई दिक्कत आ गया, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आया होगा, दिखाई सब दे रहा होगा, ठीक है। तो 9 की वैल्यू इस पे 100 हो गई। अब जब वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 10, क्या 10 10 से छोटा है, जाना नहीं रह गया, 10 क्या 10 10 से छोटा है,
क्या 10 10 से छोटा है? नहीं है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और स्टेटमेंट अपना एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप नोट करो, इस प्रोग्राम को आप नोट करो, मैं अभी एक सेकंड में आया, इस प्रोग्राम को आप नोट करो। ठीक है, अभी लाइटनिंग आ रही है, सही मैं इस वीडियो में देख लेता हूं। लाइटनिंग मेरे हिसाब से प्रॉपर आ रही है, फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो बीट कमेंट में लिख देना, मैं और अच्छी लाइटनिंग कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपने लिख लिया होगा, आपका प्रोग्राम तो लिख लिया होगा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? एक्सेसिंग ऑफ एन एलिमेंट, एक्सेसिंग ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एक एरे से एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। एक एरे को अपन ने इन दोनों मार्कर का यूज ही नहीं किया, ब्लैक और रेड का, इस बार करेंगे। अब अपन क्या देखने वाले हैं, एक फंक्शन बनाया गया, ये फंक्शन बनाया अपन ने, उस फंक्शन के अंदर पूरा एरे पास करना है। ये फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर अगर पूरा एरे पास करना है तो किस तरीके से करेंगे? ये फंक्शन तो है अपने पास, फंक्शन के अंदर एरे किस तरीके से पास करेंगे, क्या मेथड होता है, कैसे होता है, पूरा ये देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखेंगे और ये आप प्रोग्राम लिख लेना और इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी बताया जा रहा है उसको कॉपी पर लिख लेना, जाना बड़ी प्लेलिस्ट है नहीं है, और आप अगर नोट कर लेंगे ना तो आपको पूरे जीवन भर प्रोग्रामिंग के अंदर काम आएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रोग्रामिंग इज सो सिंपल, बहुत सिंपल रहती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, यही दस नंबर अपन पूरे फिर से फंक्शन के अंदर भेजने वाले हैं, हर एक एलिमेंट भेजने वाले हैं फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन को प्रिंट कराने वाले हैं आउटपुट पे। फिर से वही प्रोग्राम, लेकिन इस बार फंक्शन अपना होगा, फंक्शन को अपन कॉल करेंगे, फंक्शन के अंदर सारे एलिमेंट पास करेंगे तो अपन देख लेंगे फंक्शन के अंदर एलिमेंट को किस तरीके से पास किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं नेचुरल नंबर के नाम से, कॉल नेचुरल नंबर, ये वैल्यूबल लेगा, ये एक ही वैल्यू लेगा, ए वैल्यू एक ही लेगा, 10 वैल्यू नहीं लेगा, एक ही वैल्यू लेगा लेकिन प्रिंट करेगा 10 बार, देखना कैसे। देखो फंक्शन बन गया, अब इस फंक्शन को अपने को कॉल कितनी बार करना है? 10 बार। कितनी बार कॉल करना है? 10 बार। अब याद करो, मैंने ऐसा कोई चीज बताया था कि सेम टाइप का हो, सेम नंबर ऑफ सेम टाइप का एलिमेंट है, यानी कि पूरे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के हैं, उनको नंबर ऑफ टाइम कॉल करना है। कितनी बार? नंबर ऑफ टाइम कॉल करना है। ऐसी कोई चीज हो प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कोई है मेथड? बिल्कुल है, लूप अकेला ऐसा मेथड है कि जिसके जरिए अपन सेम डेटा टाइप का नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। रिपीटेशन के लिए केवल एक ही चीज यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? लूप, हमेशा लूप का ही यूज करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी अपन ने जो प्रोग्राम देखे, प्रिंट एफ आउटपुट स्क्रीन पर कराना, स्कैन एफ इनपुट कराना, किसी भी एलिमेंट को यूजर के द्वारा इनपुट कराना एक एरे के अंदर, तब भी अपन क्या करते थे? फॉर लूप के अंदर ही स्कैन एफ या प्रिंट एफ लगाते थे, कोई ना कोई फंक्शन ही लगाते थे, उस फंक्शन को लगा के अपन उसके अंदर वैल्यू डाल देते थे, क्या करते थे? उस फंक्शन को कॉल करते थे। वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है? वो फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन था। कौन सा? लाइब्रेरी फंक्शन, इसको एडर फाइल फंक्शन भी बोला जाता है। लेकिन ये वाला फंक्शन अपना खुद का बनाया हुआ है, ये फंक्शन अपन ने खुद का बनाया हुआ, अपना भी तो मन करता है ना, तो अपन ने भी खुद का एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को अपन ने कॉल किया। ठीक है, अब अपन ब्लैक मार्कर का यूज करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ये भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। वैसे
ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया? देखो पोजीशन नंबर का तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये अगर आपके पास डेफिनेट साइज का एरे है, अगर आपको मालूम है कि हमारे एरे का साइज केवल इतना ही है, इससे जाना नहीं हो सकता, तब आपको पोजीशन नंबर तो शुरू आपको करना ही होगा, तो पोजीशन नंबर जीरो से। नहीं भी मालूम है तब भी आप जो है यूजर से, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा है जो यूजर से आ रहा है, यूजर डिसाइड कर रहा है कि अपना एरे कितना लंबा होना चाहिए, तो वहाँ पर भी आप जीरो से ही शुरू करेंगे। पोजीशन नंबर आप जीरो से शुरू कर दीजिए, उसके बाद यूजर के ऊपर डिपेंड कर दीजिए, जितना भी बड़ा एरे देगा उस हिसाब से वो फंक्शन अपना कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने देख चुका यूजर से कैसे लेते हैं एरे के अंदर एलिमेंट, वो भी देख चुके हैं, आउटपुट स्क्रीन पर कैसे शो कराते हैं वो भी देख चुके हैं, अपन ने कोई फंक्शन बना दिया उसके अंदर एलिमेंट को किस तरीके से पास करना है वो भी देख चुके हैं, फॉर लूप बनाया, फॉर लूप के अंदर अपने ही फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके अंदर वो एरे दे दिया, उस एरे के जीरो इंडेक्सिंग से शुरू करवा दिया, उसको लूप में चलवा दिया, क्या करवा दिया, लूप में चलवा दिया, और लूप में चलाया उसने अपना जो भी उसका ऑपरेशन है, यहाँ पर वो केवल एलिमेंट प्रिंट कर रहा है लेकिन जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। आप लोगों को प्रोग्राम बनाने की कोई चिंता नहीं है, पैटर्न प्रोग्रामिंग जरूर आएगी, और उसके अलावा भी जो एलोकेशन मेमोरी की प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक की जो प्रोग्रामिंग है सभी आएगी। प्रॉब्लम इन सी लैंग्वेज वाली प्लेलिस्ट को आप जब भी देखेंगे तो उसके अंदर पूरे प्रोग्राम एक से एक बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बने रहेंगे, कोई भी प्रोग्राम हो आपको चूकेगा नहीं, और अगर कोई भी प्रोग्राम है अगर गलती से चूक जाता हो तो कमेंट सेक्शन में आके उस प्रोग्राम का नाम बता दीजिए, मैं वो प्रोग्राम उसके अंदर लेके 100% आऊँगा। ठीक है, इसके अगली वीडियो में अपन पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंटर किस तरीके से होता है, एरे ऑफ पॉइंटर का क्या रिलेशन है, और पॉइंटर को फंक्शन में कैसे पास किया जाता है वो सब भी देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई लव यू ऑल ऑफ यू, आई लव यू ऑल ऑफ यू, और बस कर देना सब्सक्राइब।